जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मकर संक्रांति को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने खिचड़ी मेले में आए श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए मंदिर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अलाउंस करने के लिए मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया। उन्होंने कहा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलता रहे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा मास्क लगाकर ही मंदिर में जाएं तथा किसी तरह की समस्या होने पर मंदिर चौकी पर संपर्क करें। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली कि खिचड़ी चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति कितने देर लाइन में खड़े रहता है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति लाइन में 2 घंटे तक खड़ा रहता है तथा सुबह 3 बजे ही श्रद्धालु लाइन में लगते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा वह टॉयलेट साफ सुथरा होना चाहिए। इस अवसर पर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह, TSI विनोद राय, अपर नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, और यहाँ पर सर जो आगे जो बना है वो दोनों जगह है, मास्क और सैनिटाइजर वहाँ मिल जाएगी। जी हाँ जी, लेकिन और क्या कोविड प्रोटोकॉल के लिए कर सकते हैं हम लोग? पालन करें, लाइन में चले, पंक्ति में पंक्ति ना तोड़े, कोई घबराहट ना करें, अधिकारियों की सुने, अपने साथियों की सुने, कोविड नियमों का पालन करें, दूरी बनाए रखें। एक आदमी को दर्शन के लिए कितना घंटे है? फर्क पर तो खड़ा करना पड़ता है सर, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटा खड़ा होगा मौसम में 2 घंटे में ज्यादा टाइम नहीं। जी सर, वो टीम ने देख लिया सारे टॉयलेट यहाँ पे, आपकी टीम ने देखा, साफ सुथरे हैं, पानी व्यवस्था पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग है, छोटे छोटे रहते नगर पंचायत वाले, अच्छा 50 है हमारे पास, 54 है हमारे पास तो है। मेले में जो ये लगे गया सर, प्रमाण पत्र नहीं मिला सर, वही प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिला? नहीं, लेकिन आज ना उधर इधर खड़े होकर कराए, हम अभी एक कंट्रोल रूम देखेंगे, फिर अंदर की बैरिकेडिंग देखेंगे और वो जो मेला एरिया ग्राउंड लगाएंगे ऐसा है, वहाँ पे कितने झूले लगे हैं, कितने ये दुकानें लगे, एक देखेंगे, ये 3 देखेंगे, पार्किंग तो ये लोग आपके मजिस्ट्रेट देखेंगे, बनवा देते हैं आज सब बनवा देंगे। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे भी CMO को बोल देना एक कोविड वाला चेकिंग करा ले, जितने लोग आ रहे हैं, और दूसरों एक काउंटर हमें लगाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन में, हेल्प डेस्क टाइप किसी को करने वाला रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, और रोडवेज में गाइड करने वाला, कोविड हेल्प डेस्क, कोविड कम पैसेंजर हेल्प डेस्क, ठीक है। ये कौन लगाएगा? कोविड वाला तो ये सेवा कर देंगे, हाँ उसी में एक एक आदमी, हाँ वो बैठा के उसको गाइड कर देंगे नक्शे इसके साथ कि आपको यहाँ जाना है, मिलेंगे ऑटो यहाँ पे, ठीक है, एक बैठक करा लेंगे रिक्शा वालों के साथ। जो खिचड़ी में मेला 14 और 15 को प्रस्तावित है और उसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा पूरी टीम के साथ भ्रमण किया गया है, श्रद्धालुओं के सुविधा के दृष्टिगत सारी अवस्थापनाएँ, उनके लिए पेयजल, सफाई व्यवस्था, शौचालय और यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के बारे में समीक्षा की गई और निर्देश भी दिए गए, और सुरक्षा के दृष्टिगत भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, सभी की तैनाती की गई और लगातार अगले 3-4 दिन भी उसको दुरुस्त करते हुए अच्छे वातावरण में इस मेले को संकुशल संपन्न कराने के लिए प्रयास किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल के लिए क्या? कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जा रही है, स्वास्थ्य के 2 अस्थायी अस्पताल और शिविर भी लगाए जाएंगे, यहाँ तैनाती की जा रही है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए भी विज्ञापन और अन्य चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी।